हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ वंदना। कैसे हो आप सब, केम छो तमे? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा में होगे। तो देखिए, गर्मियाँ स्टार्ट होने ही वाली है। जैसे ही सीजन चेंज होती है ना, विंटर से गर्मियाँ, तो हमें हमारी स्किन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमारा स्किन के रूटीन होता है वो चेंज करना पड़ता है। लाइक विंटर में आपको हाइड्रेटिंग और खास करके नरिशमेंट वाली चीज़ें यूज़ करनी होती है, वैसे ही गर्मी में आपकी स्किन को ऑयल से बचाए, पसीने को कंट्रोल करें और पोर्स को खास करके मिनिमाइज़ करें ना, वैसी प्रोडक्ट आपको यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा यू नो ख़तरनाक होती है कि उससे हमें चेहरे के ऊपर दाने निकलने लगते हैं, बम्स छोटे छोटे हो जाते हैं और स्किन का टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्योंकि ड्यू टू हीट एंड गर्मी के कारण हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसमें से पसीना निकलने लगता है। तो आज मैं आपको काफ़ी अफोर्डेबल स्किन के रूटीन बताने वाली हूँ एंड सारी चीज़ें गुड वाइब्स की यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। ये मेरी 4 से 5 सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आप ना हमारे साथ गुड वाइब्स की प्रोडक्ट, आपके पास बहुत सारी है तो उसका एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरी चैनल में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका आप रिव्यू कर दीजिए, बट मेरे लिए ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर मायने रखता है। तो जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट में गुड वाइब्स की हमारे साथ छोटा सा स्किन केयर रूटीन शेयर कीजिए, तो आपके लिए है। और ख़ास करके पर्पल में सेल चल रही है, वुमेंस डे की सेल आ रही है, बाय टू गेट वन फ्री की आपको प्रोडक्ट्स मिलेगी गुड वाइब्स के ऊपर। तो वाई नॉट, मैंने सोचा कि ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, आपको यहाँ पर बाय टू एंड गेट वन फ्री की प्रोडक्ट मिल जाएगी। सभी की जो लिंक है मैं आपको ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये 5 स्टेप होते हैं हमारे बेसिक स्किन के रूटीन में। तो सबसे पहले मैं फेस वॉश में आपको सजेस्ट करूंगी, एज जो गर्मियाँ चल रही ना उस हिसाब से, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या तो डीपली आपको आपकी स्किन को क्लीन करना है, तो ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस वॉश आप यूज़ कीजिए। क्योंकि चारकोल है तो ऑफकोर्स ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करेगा और ख़ास करके ये बहुत ही ज़्यादा यू नो इतना लाइट वेट कंसिस्टेंसी का है कि आपको थोड़ी सी क्वांटिटी ही इनफ हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन है, आपको खास करके स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देनी है, सन टेन काफ़ी ज़्यादा समर में हो जाता है, तो एक गुड वाइब्स का पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा है, ये जेल बेस्ड है तो आपको यूज़ करने में भी मज़ा आएगा। करंटली मैंने ये गुड वाइब्स का पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश यूज़ किया है, तो दोनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। सेकेंड, यहाँ पर स्क्रब की बारी आती है। तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारे अलग अलग स्क्रब गुड वाइब्स के भी है, बट पर्सनली मुझे जो पसंद है वो है गुड वाइब्स का पोमोग्रेनेट यानी अनार का ब्राइटनिंग स्क्रब, जो क्या काम करेगा, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा और साथ ही साथ ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा। और अगर आपको नहीं पता कि अनार के बेनिफिट्स क्या है, तो अनार यानी जो दाड़म बोलते हैं गुजराती में, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं पोमोग्रेनेट, वो हमारी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज अनार में बहुत ही अच्छी होती है, जो स्किन की इलास्टिसिटी बूस्ट करने में, कोलाजन प्रोडक्टिविटी जो होती है, कोलाजन का प्रोडक्शन होता है, उसको अच्छे से इंप्रूव करने में अनार काफ़ी हेल्प करता है। फेस मास्क में मेरे पास गुड वाइब्स के 2 है, एक तो है गुड वाइब्स का रोज हिप स्किन वाइटनिंग फेस मास्क एंड दूसरा है यहाँ पर गुड वाइब्स का पपाया ग्लो फेस मास्क। मैं खास करके ये ग्लो वाला जो पपाया का है ना, वो आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। वैसे ये रोज हिप का भी बहुत ही अच्छा है, बट क्योंकि मैंने इसको एक बार ये पपाया वाला जो है ना ग्लो फेस मास्क पूरा एक कंटेनर बड़ा वाला मैंने खाली कर दिया है और मैंने मेरी सिस्टर इन लोगों को भी सजेस्ट किया था, उनको भी ये बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं डेफिनेटली आपको ये बोलूँगी क्योंकि गर्मियों में हमें सनटेन होने ही वाला है, तो इवनली आप पूरे फेस के ऊपर लगा लीजिए। एंड अगर कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो काफ़ी क्रीमी कंसिस्टेंसी है जो ईजिली हमारे चेहरे के ऊपर ग्लाइड हो जाती है। अगर इसके बेनिफिट की बात करूँ तो ये ग्लो प्रोवाइड करता ही है, ऊपर से ये पिगमेंटेशन को, ब्लेमिशेस को रिमूव करने में और खास करके आपकी स्किन के ऊपर जो मार्क्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसको हटाने में और आपकी स्किन को सपल एंड हाइड्रेट करने में मदद करता है। फेस मास्क के बाद ऑलवेज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना टोनर लगाइए, वन ऑफ माय फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट बोल सकते हो। काफ़ी कॉम्बिनेशन या तो ऑयली स्किन है तो आप आल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर यूज़ कीजिए। अब ग्रीन टी के बेनिफिट्स मुझे नहीं लगता कि आप सबको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो पोर्स को मिनिमाइज़ करने के साथ साथ आपकी स्किन जो होती है ना उसको फ्लॉलेस बनाने में, यूथफुल बनाने में, रेडियंट बनाने में ग्रीन टी मदद करती है। एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो है ही, साथ ही साथ क्लियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन को क्लियर बनाने में भी ये ग्रीन टी टोनर आपको मदद करेगा। एंड
ये जो है ना आपकी स्किन को रिवाइटलाइज भी करता है। तो ग्रीन टी टोनर भी आप यूज कर सकते हो, या तो आपकी जो स्किन है ना काफी ज्यादा नॉर्मल है या तो ड्राई स्किन है ना, तो आप रोज टोनर भी यूज कर सकते हो गुड वाइब्स का। मेरे पास एलोवेरा जेल भी है गुड वाइब्स का। स्टार्टिंग में आई थिंक एक साल पहले मैंने गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया था। तो अगर आपको यू नो कुछ पैराबेन सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री एंड मिनरल ऑयल फ्री आपको एलोवेरा जेल चाहिए जिसमें आपको बिल्कुल भी एकदम यू नो ट्रांसपेरेंट जेल मिले, तो आप ये गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल ट्राई कर सकते हो। मुझे काफी सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि दीदी आप ना हमें कोई ब्राइटनिंग फेस क्रीम बता दीजिए, या तो डेली हम एवरीडे जो यूज कर सके ना वैसी कोई आप फेस क्रीम बता दीजिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गुड वाइब्स की ये कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम आप डेफिनेटली यूज करना। मेरे पास एक क्रीम थी जो मैंने 4 से 5 कंटेनर यूज किया था, वो क्रीम का कुछ नाम था गुड वाइब्स मल्टी विटामिन फेस क्रीम ऐसा कुछ नाम था। इतनी ज़्यादा अमेजिंग थी, अभी मेरे पास करंटली वो नहीं है। और दूसरी कुछ गुड वाइब्स की सेफ्रन वाली आती है, वो आप अगर यू नो बजट में लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये ब्राइटनिंग फेस क्रीम है कोकोनट वाली, तो आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करेगी, नरिश करेगी एंड सॉफ्ट सपल बनाने में भी मदद करेगी। लास्ट में ऑफकोर्स हम सबको स्ट्रेस की वजह से, काम की वजह से, या तो यू नो कोई अदर रीजन की वजह से डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो आप गुड वाइब्स का ये क्यूकुम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम यूज कर सकते हो। सीरम जो होते हैं ना वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और ये हमारी अंडर आई जो स्किन होती है ना उसको लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट करते हैं एंड साथ ही साथ छोटी छोटी जो लाइन्स हमारे यहाँ पर अंडर आई एरिया पर होती है ना उसको रिड्यूस करने में, उसको टाइटन करने में ये बहुत ही मदद करता है। जस्ट 2 या 3 ड्रॉप आप ले लीजिए एंड जेंटली आप वहाँ पर मसाज कीजिए डाउन एरिया पर। तो अगर आपको स्वेलिंग है, पफिनेस की प्रॉब्लम है, या तो स्किन को वहाँ पर टाइटन करना है, लाइटन करना है, डिस्कलरेशन को आपको दूर करना है, तो ये आपको जरूर काम आएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको छोटा सा गुड वाइब्स प्रोडक्ट को यूज करके एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन बताया है, जिसने मुझे रिक्वेस्ट की थी उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सबकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, बाई 2 गेट 1 फ्री की आपको वहां पर ऑफर्स मिल जाएगी। तो लिंक नीचे है, वहां पर आपको कूपन कोड भी मैंने दिया है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नए और भी धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, सी यू एंड लव यू ऑल, आओ जो